अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज हमजा हुसैन एंड यू आर वाचिंग हमजा हुसैन फिटनेस। आज मेरे साथ हैं मिनाज भाई जो मेरे ट्रेनर भी हैं और वो इस जिम के ओनर हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम चेस की ट्रेनिंग रिकॉर्ड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगे, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। तो भाई मिनाज भाई ने कहा आज जो है वो तुम्हारी ले लेना है, तो देखते हैं मिनाज भाई कैसे लेते हैं मेरी। तो सबसे पहले मिनाज भाई कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्या एक्सरसाइज है सबसे ज़्यादा मुझे ये बताओ। पहले फर्स्ट टाइम हम ज्वाइन करेंगे, हम इंक्लाइन बारबेल प्रेस करेंगे, ठीक है। इसके मिनिमम 4 सेट्स लगाएंगे और इसकी रेपिटेशन जो है वो हाइपरट्रॉफी की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, ताकि जो है मसल ग्रोथ की तरफ जाए। और फर्स्ट टाइम जो है हमारा बारबेल प्रेस है और इन शाला तला फिर आपको बहुत मज़ा आएगा करने के। अच्छा, दूसरी बात काट के मिनाज भाई बात काटूँ, मिनाज भाई जो है वो माशाल्लाह एक प्रोफेशनल ट्रेनर है और सर्टिफाइड ट्रेनर है ये माशाल्लाह, और इनका जो लेवल है बहुत एक्सट्रीम लेवल है। उम्मीद करता हूँ कि मैं इनके लेवल को उतारा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ स्टार्ट करने लगे बारबेल प्रेस, ठीक है। इसमें होता बेसिकली ये बहुत से लोग इसको गलत तरीके से कर रहे होते हैं। वो गलत तरीका क्या है, हमारी जो एल्बोज है वो बैकवर्ड चली जाती है, जो रॉड के बैकवर्ड जा रही है, जिसका पूरा इंगेजमेंट जो है वो हमारे शोल्डर पर जा रहा होता है, बैक शोल्डर पर। तो इसको करने का तरीका ये है कि हम जो स्ट्रेट रॉड से थोड़ा सा आगे 90 का एंगल होगा एल्बोज का, और हमारी जो रिस है उसका 90 के एंगल पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। और रॉड लगाने के यही बेसिक तरीका है कि हम 90 का एंगल जो है वो करेक्ट है। अच्छा, इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है कि हम जो लगा रहा है इसमें स्ट्रेट लेके आना है, यहाँ रख रहे हैं और यहाँ से आप, अच्छा इसको पूरा ऊपर नहीं लेके आएंगे, ये स्क्वीज कर रहा है ये ऊपर नहीं करता बिल्कुल, क्योंकि मसल इंगेजमेंट खत्म हो जाती है, सारा शोल्डर पे सारा बाइसेप प्रेस कर रहा है, ठीक है। हमें इसको इंगेजमेंट में रखना है, तो जितने रेप्स आपको लगाने वो इंगेजमेंट के साथ लगाने। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारी फिनिश हो गई है और इसके ऊपर तो पहली एक्सरसाइज में मिनाज भाई ने ऐसा पम करवा दिया कि आगे तो मुश्किल है। खैर, अगली एक्सरसाइज कौन सी है मिनाज भाई? इंक्लाइन, सही है। अच्छा, ये हमने स्टार्ट किए डंबल प्रेस एंड बेंच, और इसके लिए स्टार्ट करें। इसके अंदर भी बेसिकली वही होता है जैसे हम पावर वे करके आए हैं, तो हाथ एल्बोज में हमारी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएगी, बैकवर्ड आगे की साइड रहती है, ताकि मसल जितना हो जाएगा उतना डीप स्ट्रेच हो, क्योंकि अगर पीछे जाएंगी तो शोल्डर पर जोर आना होगा। तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर मसल फॉर्म में अपना भाई काम कर रहे हैं हमारे। और कैसे आपको मजा आ रहा है करते हुए? बाद में बताएंगे, अभी बोलने का काबिल नहीं है, बोलने का काबिल नहीं है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे स्क्वीज कर रहे हैं इसको। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, जबरदस्त। सो हमारी दो एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब जो है वो तीसरी एक्सरसाइज है, और तीसरी एक्सरसाइज जो मिनाज भाई वो केबल क्रॉस है, तो केबल फ्लाई जो है वो मिनाज भाई बताएंगे किस तरह सही लगानी है, ठीक है मिनाज भाई? स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर भी हम 4 सेट रखेंगे और रेपिटेशन वही फॉर्म होंगी जैसे पहले कर रहे थे। इसमें बहुत अच्छी फॉर्म है हमला, आगे की साइड बहुत ज़्यादा लेके आ रहा है इसको, ठीक है, आगे की साइड थोड़ा लेकर आ रहा है इसको, थोड़ा सा अप लेके आ रहा है ताकि मसल्स स्ट्रेच हो, थोड़ा सा ये नेट से फाइन, दिस मसल इज इंगेज एंड दिस मसल इज इंगेज। तो ये बेहतरीन जो आपने जो है वो अच्छा वर्कआउट करना है तो ये स्क्वीज करना पड़ेगा। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं पीछे आके, तो मसल को किसी तरीके से छोड़ना नहीं है इसके अंदर, तो बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारा बेहतरीन, वेरी वेल डन। तो भाई वो तीन एक्सरसाइज हमारी हो गई है, अभी चौथी एक्सरसाइज है, ठीक है। और चौथी एक्सरसाइज हमारी क्या चीज़ है भाई बताएंगे, ज़रा डिफाइन करेंगे। हमारी सीटेड प्रेस है, कहलाती है जिसमें अमूमन जो है वो लोग बड़ी गलतियाँ कर रहे होते हैं, वो गलती क्या करते हैं, रॉड पर गलती करते हैं, एल्बोज को जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे लेके जा रहे होते हैं, तो उसके अंदर ये गलती नहीं करनी कि हमें पीछे जाए। जिस तरह हम पुशअप्स लगाते हैं उसी एंगल में हम ये रॉड या प्रेस करके स्टार्ट करेंगे, सही है, ठीक है। एल्बोज बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी ताकि शोल्डर पर जोर ना आए, चेस्ट में ज़्यादा इंगेजमेंट है, ये बहुत ज़्यादा पीछे आगे रुकना नहीं है,
जितनी मसल स्ट्रेच रखेंगे, मसल इंगेज रखेंगे, उतना ही मज़ा और इतनी इफेक्टिव एक्सरसाइज होगी। अगर आप पीछे रह के रोक दोगे तो मसल रिलैक्स हो जाता है और रिलैक्स हमने किसी सूरत नहीं करना, कोई भी मसला। ठीक है, आगे आगे बिल्कुल स्ट्रेच कर रहे हैं चीज़ को, दबाओ उसको, बहुत ज़्यादा वेरी बेटर, ज़्यादा बस परफेक्ट, बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं। मतलब बहुत पुराना जो है वो एक्सरसाइज करने वाला है, अगर आपको मसल से जो है वो आइडिया हो रहा हो इनके नाम साहब। वैसे तो मैं बहुत पुराना करता हूँ एक्सरसाइज, लेकिन मिनाज भाई के सामने में कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे मैं जब मिनाज के साथ ट्रेनिंग करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई कोरा बच्चा हो जो मॉन्टेसरी में एडमिशन लिया। ठीक है, तो मिनाज भाई जो भी बहुत सारी मिस्टेक्स पकड़ते हैं सर, तो अभी भी उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स जो है पकड़ी है वीडियो से, पहले मुझे बताया ये नहीं ऐसे करो। ठीक है भाई, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है और ये बेसिकली क्लियर एक्सरसाइज है। मतलब जिसने ये एक्सरसाइज कर ली इसका मतलब ये है कि उसने बहुत अच्छा अपना चेस्ट डेवलप कर लिया। अच्छा, ये लगाते हुए आपके बहुत सारे मसल जो है वो इंगेज होते हैं, ट्राइसेप्स इंगेज होगा, आपका शोल्डर, बहुत सारी अपर बॉडी स्ट्रेच होती है। तो बेसिकली इसको करने का तरीका जो है वो हम आपको फॉर्म बता देंगे किस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ प्रॉपर। ये परफेक्ट, लोग इसके अंदर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं या तो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्राइसेप इंगेज हो रहा होता है और चेस्ट इंगेज नहीं होता। ऊपर लाके स्विच कर डाला था ताकि हम जो मसल जो लोअर है इसका, जो बेसिकली हम इस करने का मकसद ये इस एक्सरसाइज का, जो लोअर हमारा लोअर चेस्ट वो इफेक्ट करे। ठीक है, और ये जो है हर बंदा जो है उसको अपने चेस्ट के वर्कआउट के बाद लाजमी करना चाहिए। बहुत से लोग इसे छोड़ देते हैं, बहुत से लोग छोड़ देते हैं लेकिन इससे बेनिफिट नहीं मालूम। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बाकी मिनाज भाई के भी साथ आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मिनाज भाई अपना अच्छा टाइम देने के लिए, ट्रेनिंग करके जो मुझे मिनाज से बहुत बताया, कंडीशन देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।